नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सामली, आप सुन रहे हैं द्रोणाचार्य कैप्टन चांद्रूप साहब की अनसुनी बातें भाग तीन। एक बार की बात है, आजादपुर मंडी के पास कोई बुजुर्ग राजस्थान से खेल तमाशा दिखाने के लिए आ गया। उस बुजुर्ग के साथ उसका एक साथी भी था, अर्थात यह दो लोग थे। कहीं रहने की व्यवस्था ना हो पाई और धीरे धीरे शाम होने को आ गई। तब किसी सज्जन ने उन दोनों व्यक्तियों को द्रोणाचार्य कैप्टन चांद्रूप साहब से मिलने की सलाह दे डाली। वह खेल तमाशा दिखाने वाला बुजुर्ग और उसका साथी शाम के समय द्रोणाचार्य कैप्टन चांद्रूप साहब के पास आ गए और कहने लगे कि कैप्टन साहब, हमें अपने यहां रहने की शरण दे दो। कैप्टन साहब ने उन्हें अपने अखाड़े के पीछे पार्क में रहने के लिए कह दिया और अपने सभी पहलवानों को बुला करके सख्त लहजे में दिशा निर्देश दे दिए कि किसी भी पहलवान ने अगर इन दोनों व्यक्तियों को परेशान किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कैप्टन साहब उन खेल तमाशा दिखाने वालों को दोपहर और शाम का खाना भी देने लगे। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। जिस दिन वह दोनों लोग अपने गांव को जाने के लिए तैयार हुए और कैप्टन साहब के पास आखिरी बार मिलने के लिए आए, तो कैप्टन साहब ने कहा कि जितने दिन आपका मन करे आप यहां रहिए, आपको कोई समस्या हो तो हमें बताइए। उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब, आपने हमारी बहुत मदद की है, हमें कोई भी परेशानी नहीं है, अब हम जाना चाहते हैं। उन दोनों व्यक्तियों को चलते वक्त कैप्टन साहब ने कुछ कपड़े भी दिए। उस समय उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और कैप्टन साहब का गुणगान करते हुए वह दोनों व्यक्ति अपने गांव की ओर चल दिए। एक बार की बात है, किसी व्यक्ति ने एक हरकत कर दी थी। उसकी हरकत से नाराज होकर के कुछ लोग उसे मारने को तैयार हो गए, लेकिन द्रोणाचार्य कैप्टन चांद्रूप साहब ने उसे मारने से लोगों को मना कर दिया। कैप्टन साहब कहते थे कि यदि आप में किसी को अक्षमा करने की शक्ति नहीं है तो आपका दिल बहुत छोटा है। वे तर्कसंगत बात करते हुए कहते थे कि यदि आपको किसी के दिल में उतरना है तो आपको अपने आप को छोटा करना पड़ेगा, और यदि आपको किसी को अपने दिल में बसाना है या आप किसी को अपने दिल में जगह देना चाहते हैं तो आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। कैप्टन साहब कहते थे कि दुनिया का सारा खेल ही छोटे और बड़े दिल पर टिका हुआ है। जो मजा बड़े दिल में है वो छोटे दिल में नहीं है। किसी को मारना तो बहुत आसान है, लेकिन जीवित करना बहुत मुश्किल काम है, अर्थात असंभव है। मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता। जीवन में जो भी कदम उठाओ वो सोच समझ करके उठाने चाहिए। रास्ते में पत्थर ही पत्थर पड़े हैं तो ठोकरे तो लगेंगी ही। कैप्टन साहब कहते थे कि यह आप पर निर्भर है कि आप ठोकर खाकर के कोई सबक लेते हैं या ठोकर खाकर के अपना विवेक भी खो देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।